हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश में हाहाकार। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल। 79.80 रुपए ये है पेट्रोल का प्राइस। डीजल का प्राइस है 79.92 रुपए। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत जमीन पर। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर। प्रतिदिन अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते रहेगा तो एक दिन रोड में गाड़ी का संख्या कम हो जाएगा। लॉकडाउन खुलते ही जनता पर महंगाई की मार। पर तो बड़ी रहा, आप जैसे देख रहे हो गाड़ियां खड़ी है, 2-3 महीने हो गए गाड़ियां रनिंग पे नहीं है, ड्राइवरों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। सामान वान आता है बाहर से आता है, उस सबका भी रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग रेट बढ़ जाएगा, सारा कुछ बढ़ जाएगा, जिसके वजह हर चीज बढ़ती दाम में मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। राहुल गांधी का मोदी सरकार को ताना। सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक की। केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल पर वो गए थे मंत्रालय, जब 50 रुपए लीटर हुआ, आज 80 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, तो उन्हें याद दिलाने आए हैं कि अगर आप ईमानदार हैं जनता के प्रति तो चलिए हमारे साथ मंत्रालय साइकिल, हम आपके साथ चलने तैयार है। सरकार के साथियों ने भी उठाए सवाल। एमएसपी में सिर्फ 4-5% की बढ़ोतरी किसानों के दामों को लेकर के हुई है और 8-10 रुपए पर लीटर के हिसाब से जब दाम बढ़े हैं तो खेती की लागत ज्यादा आएगी, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ पाती। क्या जनता की जेब खाली कर खजाना भर रही है सरकार? सरकार के पास लॉकडाउन के समय कोई रेवेन्यू नहीं था, और अगर रेवेन्यू नहीं है तो सरकार भी इतने सारे स्कीम जो गरीबों के लिए अनाउंस किया है उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार की है, उसको फंड करना है। जनता का तेल क्यों निकाल रही है सरकार? आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज की इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी और हमारे साथ अध्यक्ष ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अजय बंसल जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरा पहला सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे है, टैक्स पर टैक्स लगाकर तेल पर कीमत बढ़ाने का खेल जो सरकार खेल रही है, सर आम जनता का तेल क्यों निकाल रहे हैं आप? देखिए रोमाना जी, चूंकि आपने सवाल किया जनता से रिलेटेड से, मैं जनता की देखिए बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम, इस तरह के स्थिति में कभी देश नहीं रहा है जो कोरोना के काल से गुजर रहे हैं। उसमें लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल थम गई और साथ साथ देखा गया कि जो सरकार की जो रेवेन्यू थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे में सरकार की चिंता भी है, लोगों की चिंता सरकार को करनी है जी। सरकार के पास कोई और साधन नहीं है। देखिए रेवेन्यू तो जो टैक्स कलेक्शन से आता है या आपके जीएसटी से आता है, वो दोनों चीज बंद, सब कुछ बंद, बिजनेस बंद, तो जाहिर है कि रेवेन्यू कुछ नहीं। लेकिन जो गरीब जनता है उसकी चिंता कौन करेगा? हम और आप स्टूडियो में बैठ के अगर उनकी चिंता ना करें तो कौन करे? सरकार तो करेगी। हमें यहाँ पर आप कुछ भी बोल दें लेकिन सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने उनकी चिंता की तो 1,70,000 करोड़ के गरीब कल्याण योजना बनाई और उसमें अनाउंस किया 52,000 करोड़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, 9 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए ट्रांसफर किया। ठीक है सर, अभी आर्थिक पैकेज पर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ ना सर। आप जितने भोलेपन से यहाँ पर ये सब बातें गिना रहे हैं, पलट कर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि साहब आपके ऊपर मैं क्यों ना शक करूं? अगर इतनी आपकी अच्छी नीतियां हैं तो फिर 2014 से 2016 के बीच आप ही की सरकार थी ना जिसने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी इसी तेल पर, इस बात से क्या आप मुकर सकते हैं सर? जुलाई 2019 में आप लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं, इस साल मार्च में आप लोग फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। सर ठीक है, आप जो यहाँ पर बात रख रहे हैं मैं चलती हूँ, लेकर आपकी बात को मैं लेकर चलती हूँ और इस पर जरा मोहर लगवाने की शुरुआत करती हूँ। अलका
लांबा को पहले लेकर आती हूँ। अलका लांबा, विश्वास हो रहा है सरकार की तरफ से ये जो दलील रखी जा रही है कि सर क्या किया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। आपने पूरा जवाब दिया सर, यहाँ पर मैं 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर बात कर रहे हैं, आपने बात बता दी, आपका पॉइंट आ गया है। आइए अलका लांबा, आपने बहुत अच्छी तरह बेनकाब कर दिया दो शब्दों में। इन्होंने कहा है महामारी की वजह से, आपने सही कहा, जुलाई 2019 में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, तब कौन सी महामारी थी। मार्च 2020 से पहले इन्होंने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, कौन सी महामारी थी। इनके लिए एक ही नारा है 2014 के नारे, आज हम इनके याद जुमले को कर रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 20 आते आते ये नारा बन चुका है, बहुत हुई महंगाई की बार, क्योंकि अब है देश में मुनाफा खोरों की सरकार। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने खुद देखिए आज कितनी है कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी है, 42 रुपए 41 प्रति डॉलर। आप कहते हैं, आपकी निर्मला सीतारमण जी कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरी चल रही है, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आपको मिर्ची लगती है अर्थव्यवस्था को, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, आपने उनके जख्मों में, आपने महामारी में जो बेरोजगार हुए हैं लोग, अपने काम धंधे छूट गए जिनके, उनको मलहम लगाने की बजाय आप उनका तेल निकालने की, जो आप एबीपी न्यूज हेडलाइन दे रहा है, आप उनके घाव पे मलहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रहे हैं। आपको अपने कदम पीछे लेने होंगे, आपकी अर्थव्यवस्था खजाना खाली है, देना चाहूंगा रोमाना जी प्लीज, आपकी जेब भर ली है। मैं नहीं कह रही हूँ स्मृति ईरानी जी, मैं अभिषेक मिश्रा जी को लेकर आऊंगी अब इस बहस में, इकोनॉमिक्स बेहतर तरीके से अभिषेक मिश्रा जी भी समझते हैं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, आपने बीजेपी की बात सुनी, तेल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं समझिए ना भाई, रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करेगी सरकार, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं बचता है सर, आम आदमी की जेब से ही पैसा निकालना यही सरकार की मजबूरी है क्या। रमोना जी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सरकार ने अपना इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एकदम एग्जेम्पलरी लेवल पे ला दिया है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो मैं इसका आर्ग्यूमेंट, अभी आपने क्योंकि कहा कि ऑलरेडी एक्साइज 2019 में बढ़ाया उन्होंने, 2016 में बढ़ाया, 3 रुपए पहले बढ़ाया, 10 रुपए फिर बढ़ाया इस समय इन्होंने, तो इनका इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, टोटल इकोनॉमिक फेल्योर है। बाकी देशों में भी आज की तारीख में कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस जहां हमसे आपसे ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, डेथ ज्यादा है, वहां वो लोग मच बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं, क्या सरकार के जो हमारे पास ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई के पास डिपॉजिट है, आपने ऑलरेडी 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली है सिर्फ इन जो 13 रुपए बढ़ाया था इसके दम पर। एटीएफ का फ्यूल, रमोना जी आप अगर ध्यान देंगी तो पिछले जून जून में लगभग 18,000 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़ाया है सरकार ने। राजीव रंजन जी को ले आती हूँ, राजीव रंजन जी, ये जिस तरीके से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है सर, एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से हमेशा बढ़ती रही, और ये कहा गया कि अरे फिक्र मत कीजिए, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें ज्यादा होंगी ना तो आम आदमी को राहत देंगे, ये राहत है सर। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को इस वक्त पैसे पैसे की मुश्किल हो रही है, और सरकार अपने खजाने की सोच रही है सर, अपना खजाना भरने के लिए आप लोग जो है वो तेल की कीमतों की धार दिखा रहे हैं जनता को। संवेदनशील मसला है और देश में लोगों की परेशानियां बढ़ी है, लेकिन मैं अलका लांबा जी की पार्टी के बारे में भी पूछूंगा कि वैट इनके राज्यों में, अभी मैं वो तालिका देख रहा था, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, जहां इनके समर्थन से सरकारें चल रही हो या इनकी सरकारें, देखिए ये केवल सेंटर जो एक्साइज के जरिए जो पैसा जनरेट कर रही है केवल वही सवाल नहीं है, राज्यों के वैट को भी लेकर के राज्य सरकारों को ये बताना पड़ेगा। और जब इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है तो फिर बहस में आकर के केवल केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के बजाय अपने राज्य सरकारों से अलका लांबा जी को भी पूछ लेना चाहिए। जवाब लेती हूँ उन राज्यों में जी से, जवाब क्या है सर। सर दरअसल दिक्कत यह है कि सारे उपदेश ना यहाँ पर दूसरों के लिए हैं, और यहाँ पर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं सर, राज्य के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, मुझे लगता है इस बहस में पड़ गई मत सर, क्योंकि यहाँ बात राज्य और केंद्र की नहीं, यहाँ बात सरकारों की और आम आदमी की है। हर सरकार लगी हुई है किसी तरीके से आम आदमी की जो जेब है उस पे डकैती डाली जाए। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, जनता का तेल सरकार क्यों निकाल रही है, हम बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं। अजय बंसल, अध्यक्ष ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय बंसल जी, मैं चाहती हूं मेरे दर्शक को आप सीधे लफ्जों में समझाएं इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, जहां तक डीजल का सवाल है वो एक इकोनॉमी की बैकबोन है,
क्योंकि जितनी भी हमारी जरूरी वस्तुएं हैं, जितनी भी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर से प्रभावित होती हैं उसके दाम के ऊपर, और दाम जो है वो बहुत भयंकर किस्म से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट के साथ बढ़ता है। जब भी किसी पेट्रोल डीजल के, खास तौर पे डीजल की जब दाम बढ़ते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट पे आता है, और जब वो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट पर आता है तो उससे जो भी जरूरी सामान खाने पीने की है वो सब पे डलता है। हम जो अपने आप में पेट्रोल पंप हैं वो करीबन जितनी भी सेल करते हैं उसका 70% जो है डीजल की कॉस्ट, 70% जो है हमारी जो है वो सेल डीजल की ही रहती है। और इस डीजल की सेल में हमने पिछले कई सालों से देखा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम में अमूमन 12 रुपए के करीबन हमने डिफरेंस देखा है। 12 रुपए अंदाजन जो दाम कम रहता था डीजल का पेट्रोल के बनिस्पत। लेकिन अब की बार सारे फासले मिटा गई सरकार। सर, अब की बार पेट्रोल डीजल की कीमतों के सारे फासले मिटा गई सरकार। सैयद जफर इस्लाम साहब, सीधे रुक करेंगे चर्चा में सैयद जफर इस्लाम का। सैयद जफर इस्लाम, जब विपक्ष में होते हैं तो अर्थशास्त्र अलग किस्म का होता है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो अर्थशास्त्र की समझ बदल जाती है क्या? देखिए दोबारा जी, 40 सेकंड लूंगा, पूरे जवाब दूंगा, बीच में टीका टोपी मत कीजिएगा जैसे बाकी लोगों को नहीं किया। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने पूरे खजाने खोल दिए गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से तेल के दाम नहीं बढ़ते, वैट लगता और जो भी रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 40% जो है 39% स्टेट को पास कर देती है, और सिर्फ 61% उसके पास रहता है, और सारे और उसके पर स्टेट जो है वैट भी लगाती है, वैट का मुनाफा स्टेट पे जाता है, और उसके बाद सारी जो है सेंट्रल वेलफेयर स्कीम जो है सरकार चलाती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे देखिए 3 लाख करोड़ मध्यम वर्गों के लिए दिया जो है एमएसएमई को सपोर्ट, चाहे आप देखिए, मैंने फिर से कहा कि देखिए आप 3 महीने का राशन फ्री, चाहे आप रिफिल करने, गैस रिफिल करने की बात आई वो भी फ्री, चाहे आप गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, बूढ़े बुजुर्गों को उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इन्फ्लेशन भी, आप अगर मापदंड कह रही बार बार महंगाई का असर पड़ेगा तो इन्फ्लेशन हमने मेंटेन करके रखा है। अलका लांबा से पूछिए कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन में छोड़ के गई थी सरकार, और अभी सर सिंगल डिजिट में, और भी लो सिंगल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन है, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इतनी तकलीफ है अलका लांबा जी, इतनी तकलीफ है तो आप एक्साइज तो बढ़ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए ना कि वैट ना बढ़ाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सर सर, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर सवाल करने के लिए, आपसे भी सवाल करने के लिए मैं बैठी हूँ, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी, जेडीयू से भी मैं बैठी हूँ यहाँ सवाल करने के लिए, मुझे आने दीजिए बीच में। आप ये जो गणित बता रहे थे सैयद जफर इस्लाम साहब की, देखिए एक्साइज ड्यूटी, उससे जो रेवेन्यू आता है वो सरकार जो है वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करती है, वो सरकार जो है वो स्टेट्स को भी हिस्सेदारी देती है, ये सब सर 2014 के बाद से शुरू हुआ है क्या देश में? 2014 से पहले ये सिस्टम नहीं था क्या? ये सब आपकी सरकार ने आकर शुरू किया है क्या? सर इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन हाँ, एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो आपने उठाया और आपसे पहले राजीव रंजन जी ने भी उठाया था कि अलका लांबा जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कम से कम वैट ही थोड़ा कम करके आम आदमी को राहत दिलवा देती। रोमाना, ये जो राजीव रंजन जी बोल रहे हैं ना, प्लीज, मैं बिल्कुल चाहती थी कि बिहार एक उदाहरण बने कांग्रेस राज्यों के लिए। इनसे पूछिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने क्या 18 मई को कैबिनेट में 2 रुपए पेट्रोल डीजल का जफर इस्लाम, अच्छा नहीं लग रहा है, आप लगातार बोल रहे हैं, जरा शांति से सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आइएगा। आपने नॉनस्टॉप 2 मिनट अपना जवाब दिया था, बात सुनिए दूसरों। बिहार की सरकार ने कैबिनेट में 18 मई को 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, मुझे तो लग रहा था ये हमारे लिए एक उदाहरण बनेगी बिहार की रंजन जी की सरकार। अब मैं आपको बताती हूँ बात, रोमाना, यहाँ पर आप और मैं बैठकर 4 राज्यों के कांग्रेस राज्यों की नहीं कर रहे, देश के बाकी राज्य, पूरे देश की आबादी जो कोरोना जैसी महामारी में बेरोजगार हो चुकी है, उनके जख्मों में मलहम की जगह नमक छिड़का जा रहा है। मैं बताती हूँ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी बहुत दूर नहीं जा रही, 2014 जब हमने छोड़ा, सही कहाँ छोड़ा बताती हूँ, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे, कितनी 9 रुपए, आप कितनी ले रहे हैं पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 2020 में 32 रुपए 98 पैसे, डीजल पर हमारे समय पर 2014 में कितनी थी डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसे, आज कितनी है एक्साइज ड्यूटी 2020 में 31 रुपए 83 पैसा। आप कहते हैं कि हमने जनता को राहत 18 लाख करोड़,
ठीक है ठीक है, एक मिनट, मैं जरा सा राजीव रंजन जी के पास आऊं, उससे पहले मैं अभिषेक जी को यहां पर लेकर आना चाहती हूं। मैं अभिषेक जी एक बात समझना चाह रही हूं, 2013-14 में जिस तरीके का हमने आक्रोश देखा था तेल की कीमतों को लेकर कि भाई नारे बाकायदा चुनाव में बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार हम सबको पता है सर वो किस तरीके के नारे थे, क्या 2020 आते आते अब क्या लोग इम्यून हो गए हैं क्या? मतलब लोगों को भी क्या फर्क नहीं पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं, मुद्दा बन नहीं पाता है क्योंकि, या फिर यह विपक्ष की कमजोरी है सर? रमन जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, लोगों की कमर टूट रही है, एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की भारी समस्या है, उनके पास डेट्स की दिक्कत हो रही है, ईएमआईज नहीं पे कर पा रहे हैं, मुद्दा बहुत बड़ा है। सिर्फ कोरोना की वजह से लोग इस समय घरों के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर निकल के सड़क पे हम, इवन हम लोग अगर आज अगर करना चाहें तो हमको ये संकोच लगता है कि ऐसा ना हो हमारी वजह से लोग सड़कों पे आए और उसमें किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसी महसूस होती है कि मॉरली हमारी। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पहली बार देश में डीकपलिंग अगर हुई है इस ट्रेंड की तो मोदी सरकार में हुई है। आप अगर पिछले अभी जफर इस्लाम साहब बात कर रहे थे, मुद्दा बड़ा है तो फिर तो राजीव रंजन जी को आना चाहिए, अगर वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है राजीव रंजन जी, बिहार में तो फिर चुनाव होने हैं तो फिर क्या वैट हम देखेंगे कम होगा या फिर केंद्र पर आप दबाव बनाएंगे एक्साइज ड्यूटी में कुछ राहत मिलेगी, क्या लगता है? ₹22% हमारे यहाँ ये वैट है और डीजल पर 15% है हमारे यहाँ। और अभी मैं सुन रहा था अलका लांबा जी क्या, इनकी पहली जो पार्टी थी इसके पहले दिल्ली में 30% वो वैट ले रहे हैं और इनके चारों राज्यों में वैट हमारे राज्य से ज्यादा है। देखिए ये सवाल इतना बड़ा है, इन्हें या जफर इस्लाम साहब हो या हम तमाम जो अलग अलग पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी का हिस्सा। मैंने आपसे राजीव रंजन जी सवाल ये पूछा कि बिहार में तो चुनाव है और अगर वाकई में पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनावी मुद्दा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चुनावी मुद्दा है तो मैं आपसे बस ये समझना चाह रही हूँ सर, आप लोग बिहार में कैसे राहत देंगे आम आदमी को? जनता समझ रही है एक ऐसी परिस्थिति है जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा, अच्छा खजाना खाली हो, टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम हुआ है, 45% औसतन टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, राज्य सरकारों को कोरोना के कारण अपने संसाधन बढ़ाने पड़े हैं और इसीलिए देखिए ये जो भी लोग होंगे अलग अलग पार्टीज में अपनी अपनी बात रखेंगे, ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम की जिम्मेवारी है, जो भी संसाधन आप दूसरे वैकल्पिक ढूंढ सकते हैं वो ढूंढिए। तो सर आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं राजीव रंजन जी, मैं आप ही की बात के जवाब के लिए अलका लांबा जी के पास चलती हूँ। अलका लांबा जी, फिर तो आपको ये मानना चाहिए कि ये सत्ता पक्ष की काबिलियत है, सत्ता पक्ष जो है वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि साहब हम जो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं दरअसल वो देश निर्माण के लिए, देश हित के लिए, और इसी वजह से ये मुद्दा बनेगा ही नहीं। रोमाना मेरी बात सुनिए, आप जो बहस कर रही हैं क्या खुद के लिए कर रही हैं? कांग्रेस जो आवाज उठा रही है अपने लिए उठा रही है? देश की 135 करोड़ की आबादी जो कोरोना की महामारी में बेरोजगार हो चुकी है, महंगाई उसकी मार पड़ रही है और अब तो आपको ने अभी सुना ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, चीजें महंगी होंगी और मार पड़ेगी। 18 लाख करोड़ कमाया है अलका लांबा जी, लेकिन अगर लोगों के मन में ये है साहब कि नून रोटी खाएंगे देश निर्माण में लेकिन भागीदारी जरूर दिखाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फर्जी का राष्ट्रवाद चलेगा नहीं, ये फर्जी का राष्ट्रवाद ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये फर्जी राष्ट्रवाद में जवाब देती हूँ। मैं सैयद जफर इस्लाम को लेकर आ रही हूँ, सैयद जफर इस्लाम ये देश निर्माण वाली बात आपकी फर्जी का राष्ट्रवाद है, अलका लांबा ये कह रही है, आइए देखिए 2009 से 2014 तक इन्होंने 1,10,000 करोड़ जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए काम एलोकेट किया, हमने 5 सालों में 2,64,000 करोड़ का एलोकेशन किया, 240% ज्यादा किया, हम घरों में बिजली लेके घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया, संसाधन बनाया, कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये आपके पास आ जाऊंगी तब जवाब दे दीजिएगा उनको, बोलने दीजिए घर को बना रहे थे, वैसे भी दिक्कत आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना बनाया और हम देश निर्माण में लगे, कांग्रेस पार्टी ने खुद को और खुद के पार्टियों के पार्टी को निर्माण में लाया, हम देश के निर्माण में लगे हैं, इसलिए हमने ज्यादा एलोकेशन किया,
आप देखिए ना मनरेगा में हमारा मैं एक न्यूट्रल व्यू लेती हूँ। मैं अजय बंसल जी को लेकर आऊंगी। अजय बंसल साहब आप सुन रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस जेडीयू समाजवादी पार्टी के नजरिए सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई पेट्रोल पंप पर जब आम आदमी आता है तेल डलवाने के लिए, क्या उसके जहन में ये बात होती है कि सत्ता में कौन है, कौन कीमत बढ़ा रहा है, क्या इससे उसे फर्क पड़ता है? ये आपने मेरे मन की बात सुन ली, कही बिल्कुल, कि हम लोग जो कि एक फेस है सामने, किसी भी प्रकार का गुस्सा जब तेल का निकालते हैं तो सबसे पहले कोई आदमी, आम आदमी जब पेट्रोल डलवा रहा होता है और उसे लगता है कि मैं बहुत पहले ही परेशान हूं, इतनी महंगाई के कारण मुझे मजबूरी के कारण लेना पड़ रहा है, तो वो हम पर ही गुस्सा निकालता है, उसको गुस्सा जरूर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं एक यहां पर जो डिबेट में हूं एक एसोसिएशन का एक पदाधिकारी होने के नाते हूं, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा एक आम आदमी के तौर पर कि सरकार का राइट है, जैसे कि कोई हमारे सरकार को चाहिए, चाहे स्टेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसको एक रेवेन्यू चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी टाइमिंग जो है वो बहुत गलत हो जाती है। जबकि आप देख रहे हैं कि आज मेट्रो बंद है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बसेज बंद है, आदमी को आप अपने अपने पेट्रोल अपने अपने मोटरसाइकिल या कार में मजबूरन चलना पड़ रहा है इस महामारी के दौर में। राज्य सरकार ने अपना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के, एक मिनट मैडम, लेट मी कंप्लीट कि वो उन आदमियों को, जो आदमी भी मजबूर हैं, जो बेचारे अभी मेट्रो के किराए पे चल रहे थे, मेट्रो नहीं चल पा रही है, ट्रांसपोर्ट बसेज नहीं चल पा रही है, उन लोगों को अपना वाहन या किसी से मांग कर वाहन चला रहे हैं, उसके अंदर इस वक्त जो है पेट्रोल डीजल का दाम इस तरह बढ़ते रहना बहुत एक जो है उनके लिए बहुत गुस्से का कारण है। दूसरा जो मुझे लगता है कि आप जो है ये जो सेक्टर है इसको एक सबसे आसान जरिया मानते हैं पैसा इकट्ठा करने का, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो सबकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से और आपके स्टेज पे कि आप जीएसटी में कांग्रेस भी बैठी है, बीजेपी भी बैठी है, समाजवादी पार्टी बैठी है, क्यों नहीं कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको जीएसटी में लाकर 28% के स्लैब के अंदर, हायर स्लैब के अंदर किसी तरह भी आप जीएसटी में लाकर वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे कम से कम डीजल को तो ले आइए ताकि आम आदमियों की वस्तुओं पर ज्यादा असर ना पड़े। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब सैयद जफर इस्लाम आपको देना होगा। सर, आखिर कब तक यूं आम आदमी को निचोड़ती रहेंगी सरकारें ये पेट्रोल डीजल की कीमतों का खेल, टैक्स का खेल, अपना खजाना भरने के लिए, और इस खेल के अंदर तेल आम आदमी का निकल रहा है। सीधे रुक करते हैं हम सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या टैक्स में कटौती कर कुछ राहत आम आदमी को देगी सरकार? कहना चाहता हूं कि देखिए टैक्स में पिछले 5 सालों में हमने मध्यम वर्ग को काफी राहत दी है सर, और आगे में तेल की कीमतों पर लग रही एक्साइज ड्यूटी की बात कर रही हूं सर। हाँ, मैं उसके बारे में आ रहा हूँ, लेकिन जहां तक नहीं, दोनों चीज कह रहा हूँ आप, चूंकि महंगाई की बात कर रहे हो और आम नागरिक की बात कर रही, इसलिए कहा हमने कि हमने नीचे गिरा के उनको 12% पे कर दिया, इफेक्टिव रेट कर दिया। लेकिन मैं आपके बारे में, जब एक्साइज के बारे में बात कर रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इन लोग तो कांग्रेस से सरकार चाहते थे कि अंधेरे में रहो, अब हमने घर घर तक बिजली पहुंचाई है, और ये चाहते थे कि किसी भी तरह से वहां पानी ना पहुंचे, हम घर तक जो है कांग्रेस चली गई सर, इसीलिए कांग्रेस जो है वो विपक्ष में बैठी हुई है सर, सत्ता में नहीं है। आप लोग बड़े वादे कर कर आए थे ना। सवाल अभिषेक जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो जनता से उगाही का जरिया क्यों बन गई है सर? देखिए रमोना जी, पिछले 18 दिनों में इन्होंने लगभग 15% डीजल का दाम और 13% पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, जो कि आज की तारीख में आप देखें दुनिया के किसी देश में वो सिचुएशन नहीं है। इवन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, आपके साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इन सब में हिंदुस्तान से कम आज की तारीख में है। अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा 12% टैक्स रेट की बात, 12% किसी का भी टैक्स रेट आज की तारीख में नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे बता दें किस इंडस्ट्री में 12% टैक्स रेट है। आप देखिए इसके सर, आम आदमी तो ये समझना चाह रहा है ना, मतलब आप लोग रेट की बात कर रहे हैं, आम आदमी तो ये समझना चाह रहा है भाई इस मुश्किल वक्त में तो सरकार को मदद करनी चाहिए ना, क्यों सरकार अपना टैक्स कुछ कम करके आम आदमी को राहत नहीं पहुंचाती, क्यों तेल की कीमतों में इस तरीके का बेतहाशा इजाफा, आम आदमी की जेब पर ये डकैती क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।